हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, 5 दिसंबर 2021 को वीडियो का पेपर हुआ था और यह पेपर दो शिफ्ट में हुआ था। 5 तारीख की पहली शिफ्ट में उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न आए थे, आज हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कूजा एक्ट का संबंध है भूमि बंदोबस्त से। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ कोटद्वार पौड़ी में, और इस समय इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी थे। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा जनपद में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में होता है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है और इसका विलय कांग्रेस में 1926 में हो जाता है। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6,904 मीटर। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,817 मीटर है और कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की बैजनाथ में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया अगस्त 2017 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में गठित फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था पी विंडम को। पी विंडम 1921 में कुमाऊं के कमिश्नर भी थे। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था मानशाह। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है लधिया नदी। यह काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे श्री महंत इंदिरेश चरण दास। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। 1857 में काड़ू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और कालू मेहरा का संबंध चंपावत के लोहा घाट के विसुंग गांव से है। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जो कि रुड़की हरिद्वार में है। 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी महाराज नीम करोली ने। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ये नैनीताल में 1962 में आए थे। इन्होंने 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। 15 जून को कैंची धाम में मेला भी लगता है। उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? डेक्कन एविएशन को। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं 6 सदी ईस्वी के। गोपेश्वर चमोली में और बाड़ाहाट उत्तरकाशी में है। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर। पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर 1965 में डाक टिकट जारी हुआ और मोनाल पक्षी पर 1975 में डाक टिकट जारी हुआ। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है गुत्तू टिहरी गढ़वाल में। देहरादून कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया महारानी कर्णावती के नाम पर। ये महीपति शाह की पत्नी थी। आटागाड़ सहायक नदी है पिंडर नदी की। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है गंगा प्रवाह प्रणाली। वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? कुमाऊं परिषद का, और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में होती है और इसका पुनर्गठन 1973 में होता है। उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 में होता है। पिथौरागढ़ में स्थित धवजेश्वर पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? महादेव के। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त सन 2000 ईस्वी को।
गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क कहा जाता है तेलु रोतेली को। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह सारस्वत तीर्थ। उत्तराखंड राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया 20 मार्च 2002 ईस्वी को। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? फूलों की घाटी चमोली जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? ऑप्शन बी नंदा देवी नेशनल पार्क, इसे 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है उत्तरकाशी जनपद में। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। निम्न में से उत्तराखंड में नंदोर अभ्यारण्य स्थित है नैनीताल जिले में और इसकी स्थापना 2012 में होती है। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य और अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं, बकरवाल यह कहते हैं, पालसी ये भी कहते हैं, पाथज यह भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया दो श्रेणियों में। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।